प्रिय दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोग्राम को, वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसके लिए धन्यवाद। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर प्रत्येक वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में है, फिर भी आपके सहयोग के लिए बोल देता हूँ। मेरा कंटेक्ट मोबाइल नंबर है 9425308। आज जो आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, राहु चंद्र गुरु भाग्य को बदलता है, ये इनकी युक्ति बहुत अच्छी होती है। ये प्रशासनिक है, उसे उन्नति करें। जिस व्यक्ति के लग्न में राहु चंद्र गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग व्यक्ति को अच्छी पहचानते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड रखते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, उदार होते हैं, दयालु होते हैं। जिस व्यक्ति के दूसरे भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, उन्नति नहीं कर पाते हैं, मानसिक पीड़ा में रहते हैं और जीवन में बराबर संघर्ष बना रहता है। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं और इनका माता पिता से अच्छा संबंध नहीं रहता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ये राजा के समान सुख पाते हैं, राजा के समान उन्नति करते हैं, इनके पास जो भी धन दौलत आता है व्यक्तिगत बनाया हुआ रहता है और न्यायाधीश बनते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग जीवन में पत्रकार बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं, लेखक बनते हैं और अपने शिक्षा से समाज में अपनी पैठ बनाते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं, जिद्दी होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है और ऐसे लोग समझौता समाज में नहीं करते हैं। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, महिला है तो पति के विचारों से, पुरुष है तो पत्नी के विचारों से बराबर मतभेद बना रहता है और कुंवारे हैं जिनके शादी विवाह में अनेकों उलझने आती हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग कलाकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं और डॉक्टर बनते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग दूर दूर तक पूजे जाते हैं, अच्छी सामाजिक इनकी पैठ होती है, सरकार से भी इनको पद मिलता है और राजनीति में भी सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति है, ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचार के होते हैं, स्वावलंबी होते हैं और गृहपाल के द्वारा ही उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग आर्थिक परेशानियों में रहते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है और परिश्रम का इनको सही लाभ नहीं मिलता है, बराबर मानसिक पीड़ा में रहते हैं। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में चंद्र राहु गुरु की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, ऐसे लोग संसद और विधायक बनते हैं, ऐसे लोगों का चौथापन बहुत ही सुंदर तरीके से व्यतीत होता है। ये छोटा सा वीडियो चंद्र राहु गुरु की युक्ति आपके जीवन में खेलता है खेल, इसको आप देखिए, कोई परेशानी हो तो संपर्क करिए। नमस्कार।